खबरें जो है वो अगली निकल के आ रही है सारी एप्पल की तरफ से, जहां पे गाइस अभी बहुत सारे नए अपडेट्स हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहां पे एप्पल अपनी वॉचेस के लिए कुछ डिस्प्लेज खुद बनाना स्टार्ट करने वाला है। मतलब अभी तक जो डिस्प्लेज हैं वो एप्पल मोस्टली सैमसंग के यूज किया करता था, बट नॉट एनी मोर। हु नोज कि फ्यूचर में एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने खुद के डिस्प्ले बनाना स्टार्ट कर दे। लेकिन वैसे एक बात तो पक्की, अगर एप्पल बनाएगा ना तो खुद ही रखेगा, किसी और को देगा नहीं, जैसे कि सैमसंग देता है बाकी ब्रांड्स को। इसके अलावा गाइस खबर निकल के आती है नए नए आईफोन्स को लेके, जहां पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईफोन 15 सीरीज के बारे में, तो न्यूज ये है कि इनमें होने वाला है डायनेमिक आइलैंड ऑल अक्रॉस, यानी कि आईफोन 15 का जो बेस वेरियंट भी होगा उसमें भी हमको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा, विच इज अ गुड न्यूज। यू नो एटलीस्ट फोन दिखने में आपका सेम सेम हो जाएगा। बट इसके अलावा एक और न्यूज है और वो है आईफोन 16 को लेके। क्या बोला तूने? आई मीन 15 तो अभी आया नहीं है भाई, 14 लोगों को मिल नहीं रहा है, लोग नो काफी दिल थाम के बैठे हैं कि भैया 14 ले ले, लेकिन महंगा बहुत होता है यार। लेकिन यहाँ पे एनीवे खबर जो है आईफोन 16 की वो ये है कि इसमें होने वाला है अंडर डिस्प्ले फेस आईडी। बोले तो ये हो सकता है कंप्लीट फुल स्क्रीन वाला एज टू एज डिस्प्ले वाला आईफोन। अब खैर ऐसा होता है या नहीं, हु नोज, बट गाइस यहां पे एक चीज जो होने वाली है वो है टाटा की एप्पल वाली मैन्युफैक्चरिंग, और खबरें जो है वो यही निकल के आती है। देखो रिपोर्ट्स ये बोलती है कि ये बहुत ज्यादा सही साबित होने वाला है, मतलब इट्स गोना बी अ बून फॉर इंडिया, फॉर एप्पल, फॉर एवरीवन। तो यार देखो ऑफ कोर्स वी ऑल बिलीव इन टाटा, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो है ये चीज आगे बढ़ती रहे। और इनफैक्ट अगर हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो एप्पल बढ़ेगा तो यू नो डेफिनेटली आगे, लेकिन इस साल फिलहाल के लिए थोड़ा सा जो पूरा फोकस रहेगा ना एप्पल का वो रहने वाला है इनके मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट के ऊपर, बिकॉज इट्स वेरी यू नो यूनिक। जहां पे हम बात करते हैं एप्पल के लिए एक बहुत ही नया गेम चेंजिंग मूवमेंट होगा, बस देखना ये है कि किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा।